हाय फ्रेंड आज हम आपको ये बताएंगे कि फिलर गेज जो है इंजन में कैसे यूज करते हैं और ये अधिकतर जो है फिलर गेज जो है इंजन में जो है टैपेट सेटिंग करते समय ही जो है इसको यूज करते हैं और भी कई जगह होते हैं तो हर जगह जो है अलग अलग सिस्टम होता है और ये देखिए नीचे जो है हम आपको फिलर गेज दिखा रहे हैं इसमें उस हिसाब से जो है इसमें एम MM में है और कमिंस में अधिकतर जो है थाउ में यूज होता है तो इसलिए जो है हम आपको कमीज का फिलर गेज दिखा रहे हैं इसमें दो फिलर गेज अधिकतर यूज होता है जैसे चौदह था वो सत्ताईस था वो जो है अधिकतर यूज होता है तो आइए अब हम आपको इसका लाइव वीडियो दिखाते हैं कि फिलर गेज को जो है हम टैपेट सेटिंग करते समय जो है इसको कैसे यूज करते हैं और किस हिसाब से इसको लगाते हैं अब ये देखिए ये इसमें इंजन में जो है ये टैपेट सेटिंग ये देखिए ये फिलर गेज जो है जो वाल्व का लीवर है उसके नीचे लगाते हैं और उसके बाद जो है एडजस्टिंग उसको को धीरे धीरे हम टाइट करते हैं टाइट करने के बाद इसको इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ना ही ये अधिक लूज हो और ना ही अधिक टाइट हो क्योंकि इस, इसका भी एक लिमिट होता है कि उस हिसाब से जो है आराम से जो है फिलर गेज लगा लें और उसको निकाल लें तो उस हिसाब से जो है फिलर गेज अब देखिए जैसे अभी लगाए ये देखिए फिलर गेज जो है ढीला है अब इसको जो है इस हिसाब से लगाते हैं कि मतलब हल्का सा केवल प्रेशर देकर इसको निकाल लिया जाए और फिर अंदर इसको डालकर जो है चेक कर लिया जाए तो इस हिसाब से जो है फिलर गेज की जो भी सेटिंग होती है फिलर गेज से उसको उसी हिसाब से जो है यूज़ करते हैं और इसमें जैसे फिलर गेज जो है कई जगह यूज जैसे जहाँ भी हल्का फुल्का क्लियरेंस होता है और सभी चीज़ें होते हैं वो सभी क्लियरेंस को जो है चेक करने के लिए भी जो है फिलर गेज लगाया जाता है जैसे गैसकेट होता है या पिस्टनिंग का गैप जो चेक किया जाता है उस सबों में जो है अधिकतर फिलर गेज ही यूज किया जाता है इस तरह जो है फिलर गोच को यूज किया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर